दोस्तों, आज हम आपको साईं बाबा के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। अगर आप साईं बाबा के चमत्कारों पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय साईं राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भक्तों की पुकार में दौड़े चले आने वाले शिरडी के साईं बाबा को हमारे देश में बड़ी ही आस्था व श्रद्धा विश्वास के साथ सभी भक्त उनकी पूजा पाठ किया करते हैं और उन्हें मानते हैं। दोस्तों, बंदर को भगवान का रूप ही माना जाता है। साईं बाबा कहते हैं कि हर जीव में मेरा वास है और उसे भी लोग पूजा करते हैं। इस दुनिया में हर जीव जंतु को लोग सम्मान पूर्वक देखते हैं और उस जीव में भगवान का वास है, यह हर कोई कहता है। दोस्तों, साईं भक्त के साथ हुआ एक जीता जागता उदाहरण कर्नाटक के एक गांव में देखने को मिला। गांव में एक बंदर के द्वारा 30 लोगों की जान बचाने का मामला सामने आया है। हुआ क्या, कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम में कुछ परिवार के लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए इकट्ठा हुए थे। वे लोग साईं बाबा को बहुत मानते थे और बाबा के धाम शिरडी भी जाया करते थे और उस समय वे कावेरी नदी में स्नान करने के बाद पेड़ की छांव में बैठकर पूजा करने के लिए स्थान देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ी, जहां पर उन्होंने जैसे ही बैठने शुरू किया, पेड़ के ऊपर में बैठे हुए एक बंदर ने आम के फलों को उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। पहले तो उन लोगों ने उस बंदर को भगाने की कोशिश की, पर उन्होंने सोचा कि साईं बाबा कहते हैं कि हर जीव में मेरा वास है, इसलिए उन्होंने उस बंदर को नहीं भगाया। फिर क्या, उसके बाद उस बंदर ने पेशाब करना शुरू कर दिया। बंदर की इस हरकत के कारण वहां के सभी लोग अपवित्र मानते हुए वहां से उठकर जाने लगे। यहां तक कि कुछ लोग उस बंदर को भला बुरा कहते हुए दोबारा स्नान करने चले गए। उन लोगों के उठते ही वह आम का पेड़ नीचे धड़ाम से गिर गया। हालांकि उस परिवार के 3 लोग वहीं पर बैठे थे और वे उस पेड़ की चपेट में आ गए। इनमें से एक की तो मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद उस परिवार ने उस बंदर का धन्यवाद किया कि उसने हमारे पूरे परिवार की जान बचा ली। परिवार के एक सदस्य ने कहा कि उस बंदर के पेशाब करने की वजह से ही परिवार के सभी लोगों की जान बची। हमारे साईं बाबा ने बंदर के रूप में आकर हमारे प्राणों की रक्षा की है। इसके बाद उन सभी लोगों ने अपने अपने घर में साईं बाबा के समक्ष हनुमान बजरंग बाण का पाठ कराया, क्योंकि साईं बाबा प्रतिदिन लेडीबाग को जाते हुए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करते और पूजा पाठ जरूर किया करते थे। और यहाँ तक कि उस बंदर को सभी लोगों ने मिलकर केला भी खिलाया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। तो कहते हैं, सच्चे मन से जो भी ईश्वर को, भगवान को, साईं को याद करता है, साईं बाबा उसकी रक्षा करने किसी न किसी रूप में अवश्य दौड़े चले आते हैं। किसी दुख की घड़ी में ही नहीं, हमें हर समय खुशी के समय में भी साईं बाबा को याद करना चाहिए। भक्तों, अगर आप भी साईं बाबा को दिल से मानते हैं और उनके चमत्कारों पर विश्वास करते हैं तो एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर बोलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।